जो टीम प्लेऑफ नहीं, वो उनका घर है भाई, वो प्लेऑफ नहीं बोलते, वो कह रहे हैं हम घर जा रहे हैं, प्लेऑफ में जा रहे हैं, वो है चेन्नई की बात हो रही है। क्योंकि आशु भाई चेन्नई अगेन यू नो एक 2020 का ब्लिप आया, उसके बाद एक दो यहाँ पे कोर्स करेक्शन हुए और वापस गाड़ी आपकी वापस प्लेऑफ की ओर आ चुकी है 2021 में। एंड कहीं ना कहीं आपने ऋतुराज गायकवाड़ की भी बात करी, लेकिन कहीं ना कहीं फ्लैफ डुप्लेसी का भी सर, अक्सर आप लोग कहते ही हैं कि ये जो फॉर्मेट ऐसा है, योर टॉप थ्री एंड हाउ यू ऑफ कोर्स जिस तरीके से आप फर्स्ट सिक्स ओवर्स का फायदा उठाएं, उसका बहुत बड़ा योगदान बढ़ता है आपकी टीम में। और चाहे फ्लैफ डुप्लेसी में 546 रन, ऋतुराज गायकवाड़ 533 रन, और स्ट्राइक रेट भी आप देखिए क्लोज टू 140 फॉर बोथ दीज बैट्समैन। देखिए आप जो नंबर 5-6-7 पे बल्लेबाजी करते हैं, नीचे बल्लेबाजी करते हैं, उनका भी बड़ा फर्क रहता है T20 में। और आप कोई भी खेल ले लीजिए, आप जब गेंदबाजी की बात करें, जी हाँ डेथ में भी बड़ी अगर आप अच्छी करेंगे तो बड़ा फर्क पड़ता है। पर जहां से शुरुआत होती है, चाहे आप गेंदबाजी की कर लीजिए चाहे बल्लेबाजी की, अगर आपके पास कोई दो तेज गेंदबाज हो जैसे आवेश खान और नौरकिया, दोनों ने पूरे सीजन अच्छी करी गेंदबाजी, आप देख लीजिए आपकी टीम का है। ऋतुराज गायकवाड़ और फाफ डुप्लेसी ने पूरे सीजन अच्छी करी बल्लेबाजी, आप देख लीजिए आपकी आपकी टीम का है। बहुत कम बार ऐसा आप देखेंगे कि दोनों ओपनर ने या दोनों तेज गेंदबाज या जो भी दो गेंदबाज शुरुआत करते हैं उनका प्रदर्शन ना उतना अच्छा ना हो और टीम क्वालिफाई कर गई, बहुत कम होगा। आपको मैं तो कहूंगा शायद हो ही नहीं सकता आईपीएल में, क्योंकि हारो जीत का फिर वही बात आ रही, फासला उतना कम है। और फाफ डुप्लेसी देखिए एक ऐसे खिलाड़ी रहे कि कभी कभार 2-3 साल पहले हमने देखा है, उससे पहले भी देख रहे कि कई बार लगातार 11 में खेलते भी नहीं, पर फिर भी उनको हर बार रखा जाता है, रिटेन भी किया गया। और एमएस धोनी उन्हें हमेशा बैक करते हैं और वो एक्सपीरियंस को हमेशा बैक करते हैं, क्योंकि T20 मुकाबले पे मेरा ये मानना है, और CSK इसीलिए इतनी कंसिस्टेंट टीम है कि वो ना मैच जो मिश्रण है कि जो यंगस्टर्स का और एक्सपीरियंस का दोनों का बड़ा अच्छा बनाते हैं। कि अब जो आप ऋतुराज गायकवाड़ को भी देख रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ एक एक्सपीरियंस बंदे के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं तो बहुत फर्क पड़ता है, और वो गेंदबाज का भी होता है। और गेंदबाज तो मैं कहूंगा इस फॉर्मेट में कभी ना टाइम कम मिलता है कि आपने अपना ओवर किया और आप उस तरफ चले गए, उधर से हर बार आपको जाना पड़ता है नहीं तो क्रॉस करके, यहां तो बल्लेबाजी एक अलग चीज है। तो फाफ डुप्लेसी का बहुत बड़ा रोल है CSK की सक्सेस में, अभी नहीं इससे पहले भी मैं कहूंगा। मेरे को एक बॉम्बे का भी मुकाबला याद आता है, सनराइजर के खिलाफ शायद क्वालिफायर था, फिर टूर्नामेंट जीते थे जब वापसी करी थी 2018 में बॉम्बे में वानखेड़े स्टेडियम पे, वॉटसन का एक इंसिडेंट याद आता है, पूरा सीजन उनको बैक किया गया। तो जब इस तरीके की चीजें आप देखिए जब आप करेंगे अपनी टीम को, आज अगर आप RCB की भी बात करते हैं, इससे पहले अगर आपने देखा तो बहुत ज्यादा बदलाव चेंज, अब जो अगर जब टीम अच्छा कर रही है फिर वही बात आ गई, एक आधा जरूर आप परिस्थितियों को मद्देनजर बदल सकते हैं पर सारे घर के थोड़ी बदलेंगे। RCB ने पिछले 3 मुकाबलों में बिल्कुल सेम टीम रखी, तो CSK तो ये सबसे पहले कर रहे हैं, अब उनका मंत्रा लोग फॉलो पीछे पीछे कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, तो वो है जो आपने फाफ डुप्लेसी की बात करी वो एक उसी का नमूना है। और बाकी आप जैसे ऑप्शन आती है छोटी ऑप्शन आप हमेशा ऐड करते रहते हैं अपनी टीम में, और वो CSK भी माहिर है वो काम करने में। एक और बात मैं कहूंगा इन दोनों के बारे में, जब से टूर्नामेंट दुबई आई है आप देखिए चेन्नई में 3-5-6 वहां पे प्रॉब्लम्स हैं उनको, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6 पे, 4 पे कभी कभी रायडू ने रन बना के दिए हैं आपको, तो एक कंबल की तरह है, जो कंबल के नीचे क्या है नजर नहीं आता ना, जैसे हम कहते हैं हैदराबाद में ऊपर शेरवानी अंदर परेशानी, तो ये शेरवानी पहन के आए हैं ना ये दोनों, डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ एक शेरवानी पहन के आए हैं, और जो स्टार्स दिए उन्होंने उन स्टार्स की बदौलत आपके रन बनते गए। आप देखिए जब थोड़े स्टार्स कम होने लगे तो लगातार 3 मैचें हार गए, तो ये जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ज्यादा अहम रहा है इन दोनों का। और देखिए खेलते भी कैसे हैं, देखिए पिछले 3 मैच हार चुके हैं और वहां पे ओपनिंग कॉम्बिनेशन उतना बना नहीं, तो एक दौर था कि जब से टूर्नामेंट दुबई गई थी ऋतुराज गायकवाड़ पावर प्ले में आउट ही नहीं हुए थे, फाफ डुप्लेसी एक बार आउट हुए थे बस, ये मुझे लगता है इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। और दूसरा स्ट्रेंथ तो है भाई आजकल ना, अगर आप लॉर्ड ठाकुर को बोलो आप समुन्द्र में जाके पानी पे चलो तो कहेंगे ठीक है चलता रहूंगा मैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तो ये बहरहाल शार्दुल ठाकुर की कम है नाम, हम नाम बाद में लेंगे, लेकिन ये दोनों ने एक कंबल बना के रखा है, बचा के रखा है इस बाकी से। बिल्कुल सर, आपने शेरवानी की बात करी मुझे याद आ गया, मैं एक फुटबॉल टूर्नामेंट कवर कर रहा था एक चैनल के लिए, उन्होंने शेरवानी बनाई थी तो अंदर परेशानी ही हो रही थी सर वहां पे शाम के 6 बजे पसीने निकल रहे प्लेयर से ज्यादा मेरे, तो वो बात मेरे दिमाग में रहेगी सर। लेकिन हैदराबादी मुहावरा है उसका मतलब कुछ और होता है कि कभी कभी बाहर से शान नजर आती है लेकिन अंदर सच्चाई कुछ और होती है, वही था सर बाहर से बंदा हंस के यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। बस सर देखिए एक जो CSK के नजरिए से जो हर्षा भाई ने कहा ना कि बीच की जो बल्लेबाजी वो बिल्कुल उनसे सहमत हूँ, सिर्फ एक जो अच्छी चीज है जो एक तो मैंने पिच की बात करी
कि जिस तरीके की यहाँ पे पिच है, और जो पिछले जो तीन मुकाबले हैं जो CSK, क्योंकि मैं अगर MS धोनी की फिर बात करूँ या टीम की बात करूँ, जिस तरीके से वो देखते हैं, हार जीत तो एक अपनी जगह है, आंकड़े अपनी जगह है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है इस खेल में कि आप किस प्रकार हारे और किस प्रकार जीते हैं। तो अगर आप पिछले तीन में से दो मुकाबले CSK के देखें तो देखिए दोनों बार गेंदबाजी में ऋतुराज गायकवाड़ ने, जो हम बात कर रहे थे वो मुकाबले में 190 रन जब बने, और जिस तरीके से राजस्थान ने चेस करे, क्यों कोई दबाव नहीं कि भाई नथिंग टू लूज पे थी राजस्थान। अब अगर आप KL राहुल की एक पारी देखें, हालांकि रन कम बने CSK उस मुकाबले में, पर जिस तरीके से KL राहुल ने बल्लेबाजी करी तो ये दर्शाता है कि मानसिकता भी कितनी इंपॉर्टेंट है। अभी हमने कल मुंबई इंडियन देखा, वो ईशान किशन को हमने देखा, क्योंकि अब आप कहीं खेल में नहीं है। अब जब बात क्वालिफायर पे आएगी ना, तब देखने वाली बात आएगी कि क्या वो खिलाड़ी उसी तरीके से आपको डिलीवर करते हैं कि नहीं। तो देखिए वही अनुभव का फर्क पड़ता है ना, कि जब अगर आप CSK की गेंदबाजी आप देखेंगे ना, कि कभी कभार होता है और अगर गेंद गीला हो जाए तो दिक्कत में होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी के हर कप्तान दिक्कत में होता है, पर वहां पर जो बेस्ट हो सकता है ना उस समय, वो उनसे निकलवा लेते हैं, और वो जो बेस्ट निकलवाने में ना हार जीत का फासला हो जाता है, बस और कुछ। हर्षा भाई, बस जस्ट वेरी क्विकली बिफोर वी मूव ऑन, जो परेशानी की आपने बात करी, एंड परेशानी अगर एक है तो वो है कप्तान साहब का फॉर्म, ए। दूसरा है मोइन अली का फॉर्म UAE में, UAE में ज्यादा रन नहीं बना रहे, बी। और उनके नीचे आ रहे हैं रविंद्र जडेजा। अब इससे पहले जो लीग स्टेज की हम बातचीत कर रहे थे, और ये LLL जो हमें देखने को मिला है, वहां पे हम धोनी साहब को ऊपर आते हुए देखे, क्योंकि बात ये हो रही थी मे बी इज ट्राइंग टू प्ले हिमसेल्फ इनटू फॉर्म, ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। अब जो प्ले ऑफ का स्टेक आ गया है, आपको लगता है अगर वैसी सिचुएशन आई कि पहले वो जडेजा को ऊपर भेज दें क्योंकि वो इनफॉर्म बल्लेबाज? देखिए ये जो वाइड बॉल गेंद होती है ना, वाइड बॉल गेम जो होती है, उसके PhD हैं MS धोनी, तो हम उनको समझाना कुछ तो भाई छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन हर T20 अच्छी T20 टीम जो होती है ना, वो 10 लोगों की टीम होती है, और फिर एक 11वां प्लेयर होता है जो आप फ्लोटर होता है आपका। मुझे लगता है वक्त आ गया है कि MS धोनी वो फ्लोटर बने, कि जरूरत पड़ी तो मैं आऊं बल्लेबाजी करने, क्योंकि उनके बाद है कौन? उनके बाद है रविंद्र जाडेजा, ड्वेन ब्रावो, शार्दुल ठाकुर। आप शार्दुल ठाकुर को टेस्ट मैच में बतौर ऑलराउंडर खिला रहे थे आप, उन्होंने शायद 5-6-7 गेंदें खेली है पूरे इस टूर्नामेंट में। तो अगर आपने बैटिंग नहीं की, फर्ज करो आपको जल्दी रन चाहिए, तो आपके पीछे जाडेजा, ब्रावो, ठाकुर, दीपक चाह रहे हैं। तो अगर आप कहें कि हम 10 मेंबर टीम है हमारी, और एक कप्तान और कीपर है, टूर्नामेंट के सबसे बेहतरीन कीपर वही है अभी और बेहतरीन कप्तान वही है अभी, तो मैं 10 लोगों की टीम से खेलूं, और जरूरत पड़े तो MS धोनी बैटिंग करेंगे, मैं तो जरूरत क्या है।